हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मैक लिपस्टिक कलेक्शन। तो ये देखिए, मेरे पास 10 लिपस्टिक्स हैं। तो अभी बस मैं एक एक करके इनका शेड आपको दिखाऊँगी और साथ में आपको प्राइजेस भी बताऊँगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं लिपस्टिक की। तो 2 ये हैं और 3 ये हैं और 5 ये हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो ये है रिट्रो मैट लिक्विड लिप कलर। तो ये लिक्विड लिपस्टिक है, इसको अलग कर देते हैं। और ये है, तो ये है मैट लिपस्टिक की कैटेगरी, इसको अलग कर देते हैं। और ये है रिट्रो मैट लिपस्टिक की कैटेगरी, तो इसको अलग कर देते हैं। अब इन कैटेगरीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये है रिट्रो मैट लिक्विड लिप कलर। तो ये वाटरप्रूफ है और ये अप टू 8 आवर्स तक रहती हैं। तो लेकिन मैं इनको ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से ये 8 आवर्स से ज़्यादा रहती हैं और काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्मूथ आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देती हैं। और अगर आप खाना खाएं या फिर कोल्ड ड्रिंक पिएं, कुछ भी आप करें, तो ये बिल्कुल भी हटती नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और ये मेरे ख्याल से 12 to 15 आवर्स तक आराम से रहती है आपके लिप्स पर। तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ इसको। तो चलिए अब आप इसका शेड भी चेक कर लेते हैं। तो इसका शेड ये है और इसके शेड का, एक सेकेंड, तो अभी इसका शेड चेक कर लेते हैं। तो ये है क्वाइट द स्टैंड आउट और इसका नंबर है 111। तो अब इसका स्वाच भी चेक कर लेते हैं किस तरह से है। तो ये जो रेडिश ऑरेंज कलर होता है ये वो है, और अगर जिसको रेड कलर के बहुत बिग फैन है तो वो इस कलर को ज़रूर ले। तो ये है इसका स्वाच, आप देख सकते हैं जो कैमरे में आ रहा है सेम एज इट इज़ वही कलर है, रेडिश ऑरेंज। काफ़ी अच्छा और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये कलर बहुत पसंद है। और अब बात कर लेते हैं सेकंड लिपस्टिक की। तो ये भी इसी कैटेगरी की है और इसका नंबर है 104 और नाम है फैशन लिगेसी। अब इसका भी स्वाद चेक कर लेते हैं। ये भी रेड की तरफ ही है, इस ये है जो एकदम अच्छा वाला रेड होता है, ब्लड रेड। तो ये आप वो कह सकते हैं, ये ब्लड रेड है। तो डिफरेंस आप चेक करें, वो रेडिश ऑरेंज है और ये है ब्लड रेड। ये देखें जो कलर आपको दिख रहा है स्वाच में एज इट इज़ वही कलर है, एज इट इज़। और अगर आप इन दोनों को मिक्स करके लगाते हैं तो ये बहुत परफेक्ट, जो रेड कलर होता है ये परफेक्ट वो बनता है रेड कलर। तो काफ़ी अच्छा है और मेरी फेवरेट है। तो अब बात कर लेते हैं रिट्रो मैट लिपस्टिक्स की। तो ये भी ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि अप टू 8 आवर्स तक रहती है और काफ़ी अच्छी है। तो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल मैट है, और जो लिक्विड वाली का था उसका भी बिल्कुल मैट था। तो इसका भी बिल्कुल मैट है, लेकिन ये आपके लिप्स को ऐसा नहीं है कि मैट है तो ड्राई कर देगी, या फिर जिसके ड्राई लिप्स रहते हैं वो नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। तो ये काफ़ी अच्छी है। तो इसका पहले शेड देख लेते हैं। तो इसका शेड है फ्लैट आउट फैबुलस और इसका नंबर है 705। तो अब चलें इसको चेक कर लेते हैं। और ये इतना खूबसूरत कलर है, प्लम जिसे कहते हैं ना, ये कुछ उस तरीके का कलर है, पर्पल और पिंक मिक्स करके जो कलर बनता है। तो अब हम इसका स्वाच चेक करते हैं। तो ये देखें इतना खूबसूरत कलर, बहुत ज़्यादा, ये भी मेरी फेवरेट में से आती है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये कलर मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये हो गई, और आप इसका देखें कि बिल्कुल मैट है और काफ़ी खूबसूरत कलर है। और इसका शेड है, इसका नंबर है 707 और इसका शेड है रूबी वू, जो कि मैक की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग लिपस्टिक है, जो मैक सबसे ज़्यादा इस लिपस्टिक को सेल करता है, तो वो है रूबी वू। और ये मरून रेड की तरफ है, जो रेड होता है उसका मरूनिश टाइप का, डार्क रेड आप इसको कह सकते हैं। और ये भी काफ़ी खूबसूरत कलर है। तो देखें, अगर आप ब्राइड हैं, न्यू ब्राइड हैं, तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ये कलर बहुत ही खूबसूरत। और अब देख लेते हैं, ये भी रिट्रो मैट कैटेगरी का है, ऑल फायर्ड अप और इसका नंबर है 701। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। और
सा? शॉकिंग पिंक। तो आप ये कलर है शॉकिंग पिंक, तो इसका अभी आप चेक करें, तो ये है शॉकिंग पिंक की तरफ। रेड और पिंक को मिक्स कर देंगे तो ये कलर बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का है, ये भी काफ़ी खूबसूरत कलर है। जब आप इसको लिप्स पे अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये सारे न्यू ब्राइड्स अगर आप हैं और या फिर आप नहीं भी हैं तो भी आप लोग के लिए बहुत खूबसूरत कलर। तो ये कोई मैक की प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरे पास खुद मेरा कलेक्शन है तो वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो मुझे, मैंने भी इनको पैसों से ख़रीदा है, मुझे फ्री नहीं मिली है। तो ये हो गई, और तो मैंने तो इनको 1 ईयर पहले बाय किया था, तो ये मुझे ये वाली मुझे 95 में मिली थी और ये वाली मुझे 105 में मिली थी। बट अब इन पे 10 धर्म एक्स्ट्रा हो गया है, तो मतलब अब शायद ये वाली 105 की आती है और वो वाली 115 आई थिंक, यही प्राइजेस का। चले दूसरा शेड चेक कर लेते हैं, और शेड है पिंक पीजन। तो अब इसको देख लेते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर में आता है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, ये है पिंक। अगर आपको पिंक पसंद है, अगर आप पिंक लवर हैं, तो ये शेड बिल्कुल आपके लिए बना है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत खूबसूरत। तो ये मैट कैटेगरी से है, तो मैट कैटेगरी का जो टेक्सचर है वो क्रीमी टेक्सचर है। तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप लिप्स पे कुछ एक्स्ट्रा अप्लाई करें, मॉइस्चराइज़र करें या फिर मॉइस्चराइज़ करें या फिर कुछ करें, क्योंकि ये इसका क्रीमी टेक्सचर है और ये आपके लिप्स को हेल्दी और बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंट करती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये हो गया, अब आ जाता है दूसरा शेड। तो ये है इसका नंबर यू वुडंट गेट इट। तो ये भी बहुत प्यारा कलर है, ये न्यूट की साइड पे है। तो ये देखें, ये कितना खूबसूरत कलर है, ये रोज़ी पिंक जैसे होता है, ये उस तरीके का कलर है, रोज़ पिंक टाइप का, बहुत ही प्यारा। तो ये न्यूट की तरफ शेड है, और अब आ जाते हैं दूसरे शेड की तरफ, ये है रेड रॉक। तो ये अगेन रेड की साइड पे है, रेड कलर है। तो मेरे पास रेड शेड बहुत मिलेंगे क्योंकि मुझे पसंद भी है, तो ये एकदम अच्छा वाला जो रेड होता है वो है शेड। आप चेक करें, एज इट इज़ सेम जो आपको वीडियो में दिख रहा है वही शेड है एक्चुअल। तो इसको हटा देते हैं, और अब इसको देख लेते हैं, इसका नंबर है, ये है 650, और इसका लिपस्टिक नेम है सोर। तो ये थोड़ा सा डार्क की तरफ है, मतलब थोड़ा सा लाउड शेड है, और वैसे जनरली मैं लाउड शेड यूज़ नहीं करती, बट ये वाला काफ़ी मुझे मेरे पे सूट करता है। तो अब इसका स्वाच भी देख लें, इतना भी लाउड नहीं है। तो कभी आप इस कलर के कपड़े या फिर आप कभी मैचिंग से अगर इसको वेयर करेंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये शेड भी। तो एक ये हो गया, और ये है लास्ट। तो ये है डाउन टू एन आर्ट, और इसका नंबर है 649। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत कलर है, ये भी न्यूट की तरफ है, और ये जो पीनट कलर होता है ये कुछ इस तरीके का है, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर है। तो आप देखें कितना खूबसूरत। तो ये सारे शेड्स हैं मेरे पास जो कि मैक लिपस्टिक्स के हैं। बाकी अगर आपको मेरा सारा लिपस्टिक कलेक्शन देखना है तो वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप नीचे कमेंट करिएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये है मेरी मैक लिपस्टिक्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें, और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरा बाकी का लिपस्टिक कलेक्शन भी देखना है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा।